क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब का नाम क्या है, या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस किताब को छापा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब का नाम क्या है और सबसे ज्यादा किस किताब को छापा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अफजाल दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश मोटिवेशनल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ा जाता है उसे हम सब कुरान के नाम से जानते हैं। कुरान ही वो किताब है जिसमें आज तक कोई भी रद्दो बदल नहीं किया गया है। 1400 साल से लेकर आज तक इस पे कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। कुरान ही वो किताब है जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छापा जाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छापे जाने वाली किताब का रिकॉर्ड इसी को हासिल है। कुरान दुनिया की अकेली किताब है जिसमें मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया है। कुरान में मर्द और औरत को एक समान देखा गया है और ये बराबरी की सबसे उत्तम मिसाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इसे उसने बनाया है जिसने इंसानों को बनाया है। इस्लामिक इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान मजीद है। इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो इस कदर पढ़ी गई हो या पढ़ी जाती है। मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक के सिर्फ 30 दिनों में ही दुनिया भर के तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान कुरान पाक को 1.5 बिलियन से ज़्यादा मरतबा पढ़ते हैं, जबकि हर साल 3 बिलियन से जायद कुरान पाक पढ़ा जाता है। तमाम लोग ये मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान ही है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में द मोस्ट वाइडली रीड बुक का खिताब दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में अगर किसी किताब को सबसे ज़्यादा ज़बानी याद किया गया है तो वो कुरान मजीद है। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया के कुरान को अगर जला भी दिया जाए तो फिर भी उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुरान इतने लोगों के दिलों में ज़बानी महफूज है कि उसे दोबारा लिख दिया जाएगा। कुरान मजीद में ज़िंदगी गुजारने के वो कानून लिखे गए हैं कि अगर इस कानून और इस लॉ को किसी भी देश में मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया जाए तो वहाँ से बुराई जैसे शराब, जुआ, चोरी, रेप और इस तरह की तमाम बुराइयों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल दिलकश मोटिवेशनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इसी तरह एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ।